राधे राधे, आज मैं कान्हा जी के लिए ये वैलेंटाइन डे स्पेशल ड्रेस लेकर आई हूँ। ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये मैंने 7-8 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है और इसमें मैंने ये 30 चेन डाली है और हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया है। पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, पहली चेन में एक और दूसरी चेन में दो, इस तरह ये लाइन पूरी करी है। एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में एक डबल क्रोशिया और एक चेन में दो डबल क्रोशिया। ऐसे तीसरी लाइन में मैंने हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया है। ऐसे चौथी लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, हर एक चेन में एक, फिर मैंने ये 7 छोड़े हैं और फिर यहाँ पे 14 बनाए हैं, 14 डबल क्रोशिया पीछे, फिर ये 7 छोड़ दिए हैं और फिर 7 बनाए हैं। फिर मैंने हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया, 1 2, इस तरह मैंने 2 लाइनें और पूरी करी हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 लाइनों में ये 7-8 नंबर के कान्हा जी के लिए ये प्यारी सी चोली तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने हर एक चेन में ये दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखो, ये आप छोटे कान्हा जी की बनाए या बड़े कान्हा जी की बनाए, और इतना आपको सभी में करना है। उसके बाद मैंने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, देखो ऐसे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पे एक चेन छोड़ी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ऐसे देखो इस तरह ये पूरी लाइन करी है। अब तीसरी लाइन में मैंने ये हार्ट बनाए हैं। ये आप जितनी भी बड़े कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहते हो उतनी ही लाइन, उतनी ही ये आप हार्ट की लाइन बना सकते हो। जैसे कि अभी मुझे ये ड्रेस और बड़ी बनानी है, इसलिए मैं एक एक हार्ट और बनाऊंगी। ऐसे ये बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जब हमारी ये लाइनें पूरी हो जाएंगी तब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले के बीच में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ऐसे फिर 2 चेन बनाएंगे। जिस चेन में हमें यहाँ पे हार्ट बनाना है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, ऐसे फिर हम यहाँ पे 1 2, 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे देखो क्रोशिए पे ऐसे 2 बार लेंगे ये ऊन, और फिर यहाँ पर ऐसे करके 1 2 3, 3 बार इनको निकालेंगे, फिर 1 2, फिर ऐसे 1 2 3, देखो 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हमने। अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे 1, ये जो हम डबल क्रोशिया बनाते हैं सिंपल, वैसे 2। अब हम ऐसे फिर ऊन लेंगे, अब हम इन सबको एक साथ निकाल देंगे, ऐसे एक, देखो अब मैं इन सबको एक साथ निकाल रही हूँ ऐसे। अब हम फिर ऐसे ऊन लेंगे जो हमारा यहाँ बीच में जहाँ ही डबल क्रोशिया बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, फिर जैसे हमने इधर बनाया है ऐसे ही हम इधर बनाएंगे। अब हम ये ऐसे तीनों को एक साथ निकालेंगे, एक, फिर ऐसे ऊन ली, फिर इसको तीनों को एक साथ, 2। अब हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक 2, अब 1 2 बार ऊन लेके हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर 1 2, 2 बार ऊन लेके फिर 1 2 3, अब हम इसमें 1 2 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पे ऐसे डालेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे ये देखो ये प्यारा सा हार्ट बन के तैयार हो गया है। ऐसे अब हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये यहाँ पर इस वाली जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, अब फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2,
अब दो चेन, अब हम यहाँ तीसरे में फिर यही हर्ट बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। देखो मैंने हर के बीच में ये दो दो छोड़े हैं, ऐसे। अगर आप और पास पास बनाना चाहें तो आप एक एक भी छोड़ सकते हो। फिर देखो एक दो चेन, एक दो, दो ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर एक दो, एक दो तीन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर दो हाफ क्रोशिया, एक दो, ऐसे। और फिर इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, ऐसे। अब यहाँ पर इधर वाली फली में, दूसरी फली में जो हमने दो फलियां बनाई थी, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो, दो हाफ डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर एक दो, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, फिर एक दो, फिर यहाँ पर इसमें ऐसे इसको जोड़ना है। देखो ऐसे, अब एक चेन, अब फिर यहाँ पर अगली वाली जाली में दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। देखो ऐसे ऐसे, देखो ये, और ये बीच में मैंने एक दो तीन लाइन करे बताई बनाई है। ये अभी मैं आपको यहाँ पे बनाना बताऊंगी। देखो अब जहां मैंने ये हर्ट बनाई है, इसकी बराबर वाली जाली में यहाँ पर मैं ऐसे, देखो सबसे पहले तो मैं इसी में दो डबल क्रोशिया बना रही हूँ, एक दो, अब एक दो चेन बनाई, अब यहाँ पर दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो डबल क्रोशिया, फिर एक दो चेन, और फिर इसी जाली के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया, क्योंकि हमें अपने घेर को बड़ा भी करना है, इससे इसमें झोल नहीं पड़ेगा, ऐसे। अब फिर दो चेन, और फिर जो इसके हर्ट के बराबर वाली है दूसरी साइड की जाली है ये, इसमें भी हम ऐसी ही बनाएंगे, एक दो डबल क्रोशिए, फिर एक दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिए, एक दो, फिर एक दो चेन, फिर इस वाली चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक दो चेन, फिर वो इस वाली चेन में फिर ऐसे ही आपको जैसे अभी आपने बनाया ऐसे, अब दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर दो चेन, फिर इसके बराबर वाली में फिर ऐसे ही, एक दो, फिर दो चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक दो, ऐसे। ये देखो ऐसे ऐसे, देखो मैंने नीचे बनाया है ये हर्ट के दोनों तरफ इधर उधर दो दो डबल क्रोशिया, फिर एक ये ऐसे। ये देखो ऐसे, ये मेरा हर्ट बन के तैयार हो गए हैं ऐसे। इस तरह आप जितनी भी बड़ी ड्रेस बनाना चाहो या जितनी भी छोटी ड्रेस बनाना चाहो वो बना सकते हो। ये देखो इस तरह, देखो इस तरह कान्हा जी की प्यारी सी ड्रेस तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।